मॉर्निंग गाइस, इट्स मी साद अली खान। वेलकम टू यूट्यूब चैनल एस के व्लॉग्स। और आज मैं निकल रहा हूँ अपनी नई ट्रिप पर, नई जर्नी पर अपने नए दोस्तों के साथ। आप कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं, कुछ नया मज़ा करते हैं आप लोगों के साथ। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ पूरा वीडियो देखना लास्ट तक, आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी पहुंच चुके हैं काला डोंगी चौराहे पर। यहां से आप देख रहे होंगे एक रास्ता लग गया है रामनगर, जो यहां से 26 किलोमीटर है, और नैनीताल जो कि यहां से 37 किलोमीटर है। तो हमें नैनीताल वाला रास्ते पर आना है सीधा, इधर रामनगर के लिए नहीं जाना है। और अभी टी ब्रेक है, कुछ खा लें पी लें, भूख सी लग रही है। मौसम इस वक्त गर्म है, लेकिन उम्मीद है कि आगे जाके मौसम ठंडा मिलेगा। आए, मेरे साथ मेरे तीन शेर अफजल। अफजल ये वाला है भाई, ये उस्मान है, और ये अमान। अमान दुबई रिटर्न। अफजल दुबई रिटर्न। नो, आई एम नॉट दुबई रिटर्न मैन, स्टिल आई एम। अच्छा, स्टिल ही इज इन दुबई, ही इज दुबई रिटर्न। और ये कहीं नहीं गया, से वापस भी कहीं से नहीं आया, रामपुर में ही है। साढ़े नौ बजे निकले थे, दो घंटे हो गए निकले हुए, अभी 11:30 बजे हैं। और अभी हमें जाना है नैनीताल, देन वील हैव टू गो कुसानी। तो गाइस, अभी हम लोग भवाली पहुंचने वाले हैं। यहां से भवाली 5 किलोमीटर रह गया है, और अभी हमें 15-20 मिनट और लगेंगे यहाँ से पहुँचने में। और अभी बहुत, क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है, 2 बजने वाले हैं, भूख बहुत लग रही है। तो हम लोग यहाँ भी एक लंच ब्रेक पर रुके हैं, और गर्म गर्म आलू के प्याज के पराठे हैं, पूरी सब्ज़ी है। और मेरे साथ वाले लोग जो हैं इस टाइम गए हुए हैं, तो मैं यहाँ मौसम का आनंद ले रहा हूँ। ज़बरदस्त जगह है, और बहुत खूबसूरत नज़ारा है, ठंडक है, और आसपास की ब्यूटी आई है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे दोस्त लोग जो मुझे बता रहे हैं कि नीचे काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं, और नीचे बहुत कुछ है शूट करने के लिए, तो मैं नीचे जा रहा हूँ। ये लोग नीचे से ऊपर आ रहे हैं। क्यों भाई, हो गया ज़बरदस्त भाई? किधर से आए हो तुम लोग? ये देखिए लाजवाब नज़ारे। सो जो नज़ारा नीचे का खूबसूरत है, उसी के लिए मैं आगे जा रहा हूँ। आइए देखते हैं आगे क्या है। ओहो लाजवाब, क्या बात है भाई साहब। ओह, अपनी स्पीड को थामो, वरना प्रेम भाई हो जाएगा। वो रील थी, ये रियल है। वहाँ कट था, लेकिन यहाँ कट नहीं है। ओहो, यहाँ तक जाऊँगा बस, मैं स्किन नहीं जाऊँगा भाई, रिस्क है। नैनीताल के लिए, अभी यहाँ से नैनीताल कितने किलोमीटर है? 10 किलोमीटर नैनीताल रह गया है। और आपको पता ही नैनीताल के बारे में, तालों में नैनीताल, बाकी सब चले गया। सो गाइस, अभी नैनीताल पहुँच कर बात करते हैं। तो बोटिंग डन, अभी चल रहे हैं टिब्रेन मार्केट की तरफ, देखते हैं। अभी
सुबह का वक्त है इसलिए ज़्यादातर टूरिस्ट जो भी हैं सोए हुए हैं, बाहर नहीं निकले हैं। और यहाँ स्टेडियम एक्टिविटी चल रही है बॉक्सिंग की, बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। मेरे दोस्त मुझसे आगे और मौसम कभी ठंडा तो कभी ज़्यादा ठंडा। फिलहाल मज़ा आ रहा है। रात को ये नज़ारा बहुत खूबसूरत लगता है, जो आप घर देख रहे हैं ऊपर सामने, जब रात को इसमें लाइट्स ऑन होती हैं तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ चमक रहे हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है, लेकिन वो कैमरे में कैद नहीं किया जा सकता। रात मैंने कोशिश की थी लेकिन उतना साफ नहीं आ पा रहा था कि आप लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगे, इसलिए फैसला किया कि दिन में शूट कर दूँगा। किलबरी रोड पर हिमालय दर्शन एक पॉइंट है वहाँ के लिए, और देखते हैं जाकर मौसम अगर खुला हुआ तो, अगर बादल नहीं हुए तो हमें हिमालय दर्शन होंगे, और अगर बादल हुए तो लेट्स सी। अभी चल रहे हैं, हिमालय दर्शन के रास्ते में एक पॉइंट पड़ा है जिसे बोलते हैं मैंगो लेक व्यू। यहाँ से जो लेक है वो एकदम मैंगो शेप में नज़र आती है। आप देख रहे होंगे लोग कि हम कितना ऊपर आ चुके हैं। थैंक गॉड कि जिस लिए यहाँ आए थे वो चीज़ मिल गई यार। बादल होते हैं तो हिमालय दर्शन नहीं हो पाते हैं, और बहुत खूबसूरत नज़ारा है मेरे सामने का, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। एक मिनट। लाजवाब नज़ारा। नीचे ये नदी, क्या खूबसूरत नजारा है। मोटरेबल रोड है लेकिन आगे 700 मीटर तक, और ठंड बहुत है। किलबरी रेस्ट हाउस है 700 मीटर के बाद आगे, और उसके बाद बर्ड सेंचुरी। तो मैं भी ऊपर जा रहा हूँ, मेरे साथी पीछे कार से आ रहे हैं। मैं ये देखने के लिए कि रोड है नहीं है, पैदल उतर गया था, और अभी मैं बढ़ रहा हूँ किलबरी रेस्ट हाउस की तरफ। अंदर जाना अलाउ नहीं है, इसके लिए आपकी प्री बुकिंग होती है ऑनलाइन, लेकिन यहाँ से हम देख सकते हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं रेस्ट हाउस तो आपको प्री बुकिंग कराना होगी ऑनलाइन। और ये इसका एरिया, और ये है इसका मेन एंट्री गेट। अच्छा, यहाँ आने के बाद एक कन्फ्यूजन और दूर हो गई। हम लोग नीचे थे जो पढ़ के आए थे बर्ड सेंचुरी, हम लोग को ये लग रहा था कि यहाँ कोई सेंचुरी है लेकिन वो सब कवर होगा,
कोई एरिया होगा छोटा सा जिसमें सब बर्ड्स होंगी और हम इजीली देख पाएंगे लाइक ज़ू। लेकिन अभी मैंने पीछे बात की गार्ड से तो वो बता रहे हैं कि नहीं भाई कोई एरिया वेरिया नहीं है, ये तो आपके आसपास ट्रीज़ हैं इस पर ही सब स्पीशीज़ रहती हैं, क्योंकि ठंड बढ़ गई है तो गर्म इलाके में चली गई, इस वक्त आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन जब आप सीज़न पे आओगे आई थिंक अप्रैल टू जून, तो उस वक्त आपको यहाँ तरह तरह की बर्ड्स मिलेंगी और आप ईज़िली मेरे आसपास जो ये जंगल का एरिया है ये पूरा ये देख सकते हैं आप, यहीं पर मिलेंगी वो बर्ड्स यहाँ बैठी हुई। फ्रेंड्स, और अब एक और नई सुबह, कल रात भी बहुत ठंड थी जब ऊपर हिमालय दर्शन से और जहाँ भी हम गए थे ऊपर माँ तो लौट के आए, उसके बाद नीचे कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि रात हो गई थी और ठंड बहुत थी। पर डिनर किया रात, उसके बाद थोड़ा घूमे फिरे माल रोड और फिर रूम पर आ गए थे ठंड ज़्यादा होने की वजह से। अभी सुबह के 10 बजने वाले हैं, अभी हम निकल रहे हैं अपने नेक्स्ट प्लान पर। आज हम लोग की शायद वापसी भी है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ एक पॉइंट्स कवर करना है, लाइक जो देखिए यहाँ पॉइंट है सुसाइड पॉइंट करके, कुछ लोग लवर्स पॉइंट कहते हैं, कुछ सुसाइड पॉइंट कहते हैं, क्या उसकी कितनी हिस्ट्री है वो वहाँ ज़्यादा पता चलेगी या जो उसको भी आप एक्सप्लोर करेंगे। और सुना है बहुत खूबसूरत जगह है, तो अभी नैनीताल से निकल कर उससे 7 किलोमीटर या 6 किलोमीटर के लगभग दूर आने के बाद एक पॉइंट है, ये सुसाइड पॉइंट जिसके बारे में आपको बता रहा था मैं रूम में। आइए चल के अंदर देखते हैं कि सुना है खूबसूरत जगह है, चलिए साथ में चलते हैं। काफ़ी टूरिस्ट हैं, वक्त भी मई जून में हालांकि बहुत बुरा हाल होता है, लेकिन अभी भी काफ़ी लोग यहाँ का आनंद लेते हुए, और यही है वो पॉइंट जहाँ लोग प्यार करते हैं, जहाँ जान देते हैं। यहाँ से नज़ारा देखने के बाद थोड़ा और नीचे चलते हैं, दोनों पॉइंट साथ साथ हैं, सुसाइड पॉइंट और लवर्स पॉइंट आई थिंक, और नीचे आ रहे हैं। ओ ये खूबसूरत नज़ारा यहाँ से, ओहो लाजवाब।